नमस्कार, वेलकम टू आरटीआई क्लासेस। आज से हम आरटीआई शुरू कर रहे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या होता है, ये कैसे इवोल्यूशन इसका हुआ और इसके क्या क्या सेलियंट फीचर्स हैं और क्या क्या हमें जानना एज ए पीआईओ भी जरूरी है और एज ए सिटीजन भी जरूरी है, दोनों भी उसे हमें देखना है। जब हम अपीयर हो रहे हैं तो एक सिटीजन है और जब हम एग्जीक्यूट करने लगेंगे जॉब, हम कुछ लोग इसमें से डीडी बन जाएंगे तो वो पीआईओ बनेंगे, तो उस समय उनको फंक्शन भी करना है। तो इसलिए हम जो चर्चा करेंगे वो एक सिटीजन के व्यू से भी चर्चा करेंगे। जब जरूरत हो आरटीआई डाल करके सूचना प्राप्त कर लेते हैं और एक ऑफिसर की तरफ भी सोचेंगे, जब हमारे पास अप्लीकेशन आता है आरटीआई का तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये 2005 है, इसका मतलब कि 2005 में पास हुआ है ये। इसका बैकग्राउंड समझते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब 2005 में सीधे सीधे आरटीआई एक्ट इंडिया में पास हो गया। इससे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे महाराष्ट्र और 8 और राज्यों में 2002 में ही आरटीआई एक्ट पास हो गया था। आरटीआई एक्ट 2002 में ही, जिस समय एनडीए की गवर्नमेंट थी उसी समय बाकी स्टेट्स में पास हो गया था। उनके पास मेजोरिटी नहीं थी सेंट्रल में और इसीलिए 2002 में वो सेंट्रल में नहीं पास कर सके। तो ये सेंट्रल जो है, ये जब स्टेट में 8 जगहों पे आ गया तो सेंट्रल वाला जो है वो 2005 में पास किया गया। बहुत से इसके लिए एजिटेशन हुए, बहुत से आंदोलन हुए, अन्ना हजारे जी को भूख हड़ताल करनी पड़ी, तब जाकर के ये आरटीआई एक्ट बना है ये 2005 में। ये आरटीआई एक्ट कोई मामूली चीज नहीं है, ये वो एक्ट है जिसने पता नहीं कितने करप्शंस को उखाड़ फेंका है, कितने करप्शन वालों को उजागर कर दिया है। तो इसलिए इसका महत्व समझना बहुत जरूरी है। 2005 में जब ये पास हुआ था उस समय एक्सेप्ट जेएन के पास हुआ था। 2009 में जेएन के ने अपना आरटीआई एक्ट पास किया, कुछ ज्यादा उसका वैल्यू नहीं था। जब ये जो अभी करेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने सारे एक्ट को, जब जब से जेएन के को रिकंस्टिट्यूट किया गया है, जब से उसको स्टेट से हटा करके और उसको यूनियन टेरिटोरी कर दिया गया है, उसके बाद से जितने भी सेंट्रल एक्ट थे उन सबको 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी सेम तरीके से लागू कर दिया गया है। जेएन के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ ही जितने भी सेंट्रल एक्ट हैं वो सारे एक्ट को, ध्यान रखिए, 31 अक्टूबर 2019 से जेएन के में भी प्रभावी कर दिया गया है। तो किसी भी एक्ट का अगर आपसे कोई पूछता है कि जेएन के में ये कब से लागू हुआ, सिंपल आंसर, 31 अक्टूबर 2019 से लागू है। 31 अक्टूबर 2019 से सारे एक्ट जेएनके में लागू है और उसमें से ये आरटीआई एक्ट भी है। आरटीआई एक्ट का क्या है, इसको कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1)(a) में लिखा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमें सब कुछ कहने की आजादी है, और उससे इसको जोड़ के देखा जाता है। इसका प्रीएम्बल क्या कहता है, प्रीएम्बल जो होता है, प्रीएम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द रीडर्स ऑफ द बुक। तो जो प्रीएम्बल है वो एक तरह का ऑब्जेक्टिव होता है। तो आरटीआई का प्रीएम्बल क्या कहता है, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए और जवाबदेही बनाए रखने के लिए पब्लिक अथॉरिटी में, मतलब लोक प्रशासन में जवाबदेही एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आरटीआई एक्ट को पास किया जाता है। टू कंटेन करप्शन एंड टू होल्ड गवर्नमेंट्स एंड देयर इंस्ट्रूमेंटलिटीज अकाउंटेबल टू द गवर्न्ड, करप्शन को खत्म करना है
और करप्शन से रिलेटेड जितने लोग हैं उन सबको जवाबदेह बनाना है, इसलिए भी आरटीआई एक्ट पास किया गया है। तो अगर कोई ऐसे ही पूछे कि आरटीआई किस लिए पास किया गया, तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए और करप्शन को हटाने के लिए, तीन चीजें तो ऐसे ही हमें समझ में आ रही है। पारदर्शिता बनाए रखनी है, जवाबदेही बनाना है और जितने भ्रष्ट लोग हैं उनको धक्का मार करके तिहाड़ जेल में भेजना है। ये तीन जो है इसके मुख्य उद्देश्य हैं। प्रीएम्बल मतलब उद्देशिका होता है। इवोल्यूशन ऑफ आरटीआई एक्ट इन इंडिया, इसमें क्या बता रहे हैं कि सबसे पहले नेशनल पीपल्स कैंपेन फॉर राइट 1996 में शुरू हुआ, उसके बाद से फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 में पास हुआ, उसके बाद से पासेस ऑफ स्टेट लेवल आरटीआई एक्ट जो हमने बताया आपको महाराष्ट्र और उससे रिलेटेड आठ और स्टेट में पास किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटमेंट टू आरटीआई 2004 में आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2004 में कहा हाँ हम पास करेंगे। और सेंट्रल एक्ट पास्ड इन जून 2005 में पास हो गया। अब ये है कि क्या इंडिया पहला ऐसा स्टेट है? जी नहीं, इंडिया ऐसा 48वां कंट्री है जिसने आरटीआई को पास किया। इससे पहले और भी कंट्री पास कर चुके हैं। कौन कौन कर चुके हैं इधर देखते हैं। इंडिया इज द 48 कंट्री टू इंप्लीमेंट आरटीआई। यूएसए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन रिफॉर्म एक्ट यूएसए में हुआ है, स्वीडन में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है, कनाडा, न्यूजीलैंड, फ्रांस, साउथ अफ्रीका जो हमसे बाद में आजाद हुआ उसके पास भी आरटीआई हमसे पहले से है, मलेशिया, और ऐसे करके लगभग 47 कंट्री में आरटीआई एक्ट पहले से था। इंडिया 48वां कंट्री बना आरटीआई पास करने वाला। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जो आया उसके कुछ स्पेसिफिक डेट्स हैं। ये डेट्स क्वेश्चन, ये जो है एमसीक्यू के क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। आरटीआई एक्ट वाज इनेक्टेड ऑन 15 जून। इनेक्ट मतलब पास हो गया। एसेंटेड टू आरटीआई एक्ट ऑन 22 जून, मतलब 22 जून को राष्ट्रपति महोदय ने साइन कर दिया। आरटीआई एक्ट कमेंस्ड ऑन 12 अक्टूबर 2005 इज द इंपॉर्टेंट डेट। 12 अक्टूबर 2005 आरटीआई एक्ट कमेंस्ड ऑन 12 अक्टूबर 2005। केम अंडर एक्ट नंबर 22 ऑफ 2005 इसको बोला जाता है। लास्ट अमेंडमेंट अभी 2019 में गवर्नमेंट ने किया है, कुछ सीपीआईओ कुछ सीवीओ को अपॉइंटमेंट को लेकर के था, तो उनसे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट हुआ है, बाकी कहीं पर कोई चेंज नहीं हुआ है। अमेंडमेंट सेक्शन जो है वो सेक्शन 13 है और 16 है। तो मोटा मोटी इसमें पूरे 6 चैप्टर हैं आरटीआई एक्ट में, 6 चैप्टर हैं, 31 सेक्शंस हैं और 2 शेड्यूल हैं। आरटीआई एक्ट में 6 चैप्टर हैं, 31 सेक्शन हैं और 2 शेड्यूल हैं। इन्हीं के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आरटीआई एक्ट कोई पूछता है तो क्या है, तो ये एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है, स्टेट लेजिस्लेशन नहीं है, सेंट्रल लेजिस्लेशन है, सारे स्टेट पे लागू होता है। ग्रांट्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी के पास जो इंफॉर्मेशन है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। फ्लोज फ्रॉम 2 फंडामेंटल राइट्स इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 को ध्यान में रख के आरटीआई एक्ट इनेक्ट किया गया है। इनेक्टेड ऑन 15 जून एंड इन्फोर्स्ड ऑन 12 अक्टूबर। ये दो चीजें ध्यान रखना है। 15 जून को पास हुआ और 12 अक्टूबर को लागू हो गया 2005 में। एम और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। पारदर्शिता लाना है और जवाबदेही लानी है लोक प्रशासन में। द राइट ऑफ एनी सिटीजन ऑफ द इंडिया टू रिक्वेस्ट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू मीट द रिक्वेस्ट। ये भारत का जो भी सिटीजन है, नागरिक है, उसका अधिकार है कि जो भी सरकार के पास सूचना है उसको वो मांगे, और सरकार की ड्यूटी बनती है कि उसको सूचना वो प्रदान करे। द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू proactively make available key information to all। Government की duty है कि जितना भी information है let this information be available to each and every person।
लेट देम डिसाइड हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग. सो इन्फॉर्मेशन लोगों के पास होना चाहिए. और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ऑल सेक्शंस, सिटीजन, एनजीओ, मीडिया, सबके पास कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तभी समझ में आएगा. इसके सेलियंट फीचर्स क्या है? तो इसके फीचर ये हैं कि मैक्सिमम टाइम गैप फॉर फर्स्ट अपील इज 30 डेज सिंस टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन. जिस दिन से आपको टाइम इंफॉर्मेशन मिल गया, पहला चीज तो ये होना चाहिए कि आपको जो भी आप एप्लीकेशन डालते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, नॉर्मल टाइम जो है एप्लीकेशन देने के 30 दिन के भीतर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. आप जिस दिन एप्लीकेशन डालते हैं, एप्लीकेशन जिस दिन रिसीव होता है उस ऑफिस में, पब्लिक ऑफिस में, उस दिन से 30 दिन के भीतर नॉर्मली आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. अगर लाइफ और लिबर्टी का प्रश्न हो, 48 घंटे में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा. एप्लीकेशन अगर पीआईओ से न मिलकर के एपीआईओ के पास जा रहा हो तो 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 35 डेज में मिल जाएगा. अगर थर्ड पार्टी से कुछ इंफॉर्मेशन लेकर के तब आपको देना हो, 40 दिन लग सकता है. और करप्शन और ह्यूमन राइट रिलेटेड कुछ केसेस हो, कुछ इंटेलिजेंस से रिलेटेड, इसमें 45 दिन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. ये लेट डाउन टाइम पीरियड है, इसके भीतर ही आपको मिलेगा. उसके भीतर नहीं मिलता है उसका भी यहाँ पर सॉल्यूशन है. तो अगर आपने इंफॉर्मेशन आपको 30 दिन के भीतर मिल गया चाहे नहीं मिला, आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि आपको इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, तो 30 दिन में मिल जाएगा. और नहीं तो रिप्लाई दे देंगे कि इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है. तो इंफॉर्मेशन मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा है 30 दिन के भीतर, आप उसके बाद फर्स्ट अपील में 30 दिन के लिए भीतर ही आपको जाना है. 30 दिन अपील का टाइम है, 30 दिन के भीतर आप अपील फर्स्ट अपील में जा सकते हैं. उसके बाद से अपीलेट अथॉरिटी के पास अगला 30 दिन के जा सकते हैं. एक्सेप्शनल केसेस है, 45 डेज है. मैक्सिमम टाइम गैप फॉर सेकेंड अपील इज 90 डेज. सेकेंड अपील में आप 90 डेज के भीतर जा सकते हैं. RTI इज ऑल्सो आस्क टू फॉर कंप्यूटराइजेशन एंड प्रोएक्टिवली. जितना भी RTI एक्ट पास होने के बाद से जितने भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास थे, सबको स्कैन करके चाहे सबको टाइप करके और पब्लिक डोमेन्स में डाल दिया गया. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इस बॉडीज अप्लीकेबल अंडर RTI, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, सब पर यह लागू होता है. RTI एक्ट में, RTI एक्ट हैज मोर देन 31 सेक्शंस. अभी हमने बात किया था, कितना सेक्शन हमने बताया था, ध्यान कीजिए, 31 सेक्शन है. तो 31 सेक्शन है, तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि RTI एक्ट हैज मोर देन 30 सेक्शंस, मींस 31 सेक्शन एंड इट्स सब सेक्शंस भी है उसमें. इन ऑर्डर टू गेट रिस्पॉन्स एवरी टाइम वन मस्ट स्टडी ऑल सेक्शंस एंड अमेंडमेंट इन द एक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम. इसमें से जो थर्ड सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, वो ऑल सिटीजन हैव द राइट, सिटीजन के राइट के बारे में. सेक्शन 4 जो है प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर बाई अथॉरिटीज है. अथॉरिटीज को क्या क्या अपने आप ही डिस्क्लोज कर देना है, उसके लिए किसी को एप्लीकेशन डालने की जरूरत नहीं है. RTI का मेन एम ये है कि जितना भी इंफॉर्मेशन हो सके उतना इंफॉर्मेशन आप पब्लिक डोमेन में डाल सके, सो दैट कम से कम RTI एप्लीकेशन की जरूरत पड़े. पब्लिक का इंफॉर्मेशन है, लेट दैट इंफॉर्मेशन रीच टू द पब्लिक, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हाइडिंग देम. तो इसलिए जो भी पब्लिक का इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में अपने आप डाल दीजिए. आप एप्लीकेशन सिर्फ उसी का डाला जाएगा जो आप नहीं डाल रहे हैं. तो इसलिए प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर बाय अथॉरिटीज फोर्थ सेक्शन में बोलता है. सिक्स्थ सेक्शन में रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन है. सेवेंथ में हाउ योर रिक्वेस्ट विल बी ट्रीटेड. एट में एक्सेप्शन है, एग्जेम्पशंस है. एग्जेम्पशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सी चीजों को ध्यान में रख करके कुछ एग्जेम्पशन भी दिया है कि किस पर RTI एक्ट लागू नहीं होता है. 19(1) में फर्स्ट अपील है, 19(2) में सेकेंड अपील है, और 20 में पेनाल्टीज एंड डिसिप्लिनरी एक्शन है. ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ध्यान में रखना है. अब आप जब PIO बन गए, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बन गए, तो जब आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बन गए तो आपकी कुछ ड्यूटी बन जाती है. क्या ड्यूटी है? एक्सेप्ट रिक्वेस्ट एंड गिव इंफॉर्मेशन विद इन द टाइम लिमिट. अगर कोई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन देता है उसको एक्सेप्ट कीजिए आप, और उसको जो भी लिमिट, जो प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट है उसके भीतर आप उसको रिस्पॉन्स कीजिए.
असिस्ट दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट टू फिल अप एप्लीकेशन। अगर ऐसे कोई अनपढ़ व्यक्ति आपके पास आ जाते हैं जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो एज ए PIO आपको उनको गाइड भी करना है कैसे लिखा जाए, कैसे उसके फॉर्म भरने में आपको हेल्प करना है। गिव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्मेट रिक्वेस्टेड एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उतना जिस तरीके का वो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वैसा इंफॉर्मेशन उसी फॉर्मेट में देने का प्रयास किया जाए। इफ ग्रांटिंग पार्शियल एक्सेस गिव रीजंस व्हाई एंड द मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच दिस डिसीजन वाज टेकन। इफ ग्रांटिंग पार्शियल एक्सेस, अगर आपने कुछ ही इंफॉर्मेशन दिया बाकी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, आपको रीजन देना है कि आप बाकी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन देना है ये जानना जरूरी है। सब कुछ तो उठा के दे नहीं सकते हैं, कुछ सेक्रेसी भी होती है, कुछ प्राइवेसी भी होती है फाइल्स में, तो हमें क्या क्या देना है वो जान लेना जरूरी है। इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म एंड दैट इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स मेमो ईमेल ओपिनियंस एडवाइस प्रेस रिलीज सर्कुलर ऑर्डर्स लॉग बुक्स कंट्रैक्ट्स रिपोर्ट्स पेपर्स सैंपल्स मॉडल्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा, जितना इंफॉर्मेशन है ये सारे इंफॉर्मेशन आप देंगे। अब जब बात आती है रिकॉर्ड की, तो रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, एनी डॉक्यूमेंट, सेक्शन 2I बोलता है रिकॉर्ड मीन्स एनी डॉक्यूमेंट एनी फाइल एनी मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय ए कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस, सब कुछ आ जाता है लगभग इसमें। व्हाट इज पब्लिक अथॉरिटी, अब ये जानना जरूरी है कि पब्लिक अथॉरिटी क्या है और कौन है। पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड, ऐसे वो सारे बॉडी जो है पब्लिक अथॉरिटी है, लोक प्रशासन में आते हैं प्राधिकारी में आते हैं, जो बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बाय कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए हों, बाय एनी अदर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के किसी स्टेट्यूट के द्वारा बनाए गए हों जैसे ESIPF, बाय एनी अदर लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ एक्ट बनाती है और उनका कॉर्पोरेटिव बोर्ड वगैरह कुछ होता है, बाय नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेट्यूट के द्वारा एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जिस किसी का भी संगठन हुआ है कॉन्स्टिट्यूट हुआ है वे सारे लोग पब्लिक अथॉरिटी के दायरे में आते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, बॉडी ओन्ड कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, अगर गवर्नमेंट का कहीं से फाइनेंसिंग हो रहा है वो भी आता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली फाइनेंस, NGO जो है जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर उनको गवर्नमेंट का फाइनेंसिंग मिलता है तो वो भी इसके दायरे में आते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड्स प्रोवाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग कर रही हो, अगर फंडिंग हो रहा है तो आप पब्लिक अथॉरिटी के दायरे में आते हैं एज फार एज RTI इज कंसर्न, एंड आपको वहां पर से इंफॉर्मेशन देना है। व्हाट डज राइट टू इंफॉर्मेशन मीन, राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है जो सूचना है वहां तक आपकी पहुंच को बताना ही RTI है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इंस्पेक्शन ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स, आप चाहें तो ऑफिस में जाइए और जा करके उनकी फाइल खोल करके देख सकते हैं, उनके डॉक्यूमेंट खोल के देख सकते हैं, उनके रिकॉर्ड खोल करके देख सकते हैं, टेकिंग नोट्स एक्सट्रैक्ट्स और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड, जब आप खोलेंगे और जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप नोट भी कर सकते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, उसकी सर्टिफाइड कॉपी आप ले सकते हैं कुल्लम कुल्ला, टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल, अगर कुछ मटेरियल है तो उसका सर्टिफाइड सैंपल भी ले सकते हैं, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क फ्लॉपी टेप्स वीडियो कैसेट और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड और प्रिंट आउट, इलेक्ट्रॉनिक मोड में जितने भी तरीके हैं, पेन ड्राइव भी इसमें आ जाएगा, मेल टू मेल ट्रांसफर भी इसमें आ जाएगा, प्रिंट आउट भी इसमें आ जाएगा, जितने भी तरीके हैं जिससे इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सकता है उस किसी भी तरीके को यूज करके आपको इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप, ये सेक्शन 2J में बताया है। हाँ, अब सेक्शन 4 की बात आती है,
सेक्शन फोर में कुछ सू मोटो डिस्क्लोजर हमने पहले पढ़ा है कि सेक्शन फोर के अनुसार जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जितने भी पब्लिक अथॉरिटी हैं जो आरटीआई एक्ट में आती है, उन सबको अपने आप, सू मोटो मीन्स अपने आप कुछ इंफॉर्मेशन जो है उसको डिसेमिनेट करना है, टू ओपन टू ऑल, पब्लिक डोमेन में उसको डालना है, वेबसाइट पे डाल दीजिए, इंस्पेक्शन पर्पस के लिए पब्लिक डोमेन पे डालना है। तो क्या क्या है, ऑल रिकॉर्ड्स ड्यूली, कैटलॉग्स एंड इंडेक्सेस जितने भी होते हैं उसको करना है, पार्टिकुलर्स ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस एंड ड्यूटीज, किसकी क्या ड्यूटीज है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी डालना है, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज को डालना है, प्रोसीजर फॉलोड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, नॉर्म्स सेट बाई फॉर इट्स डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस, रूल्स रेगुलेशन इंस्ट्रक्शंस मैनुअल्स रिकॉर्ड्स, ये जितनी चीजें हैं ये सबको आपको पब्लिक डोमेन में सू मोटो डिस्क्लोज करना है, डालना है। आप किसी की भी साइट पर जाके देख लीजिए, पीएसआई की साइट पर जाके देखिए, वहां पर किसका क्या पोस्ट है, किसका क्या पावर है, किसके क्या राइट है, लगभग सब कुछ चीज दिया हुआ है। नहीं दिया है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द कैटेगरीज ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट आर हेल्ड बाई इट और अंडर इट्स कंट्रोल, आपके पास क्या क्या किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं, पार्टिकुलर्स ऑफ एनी अरेंजमेंट दैट एग्जिस्ट इन कंसल्टेशन विद, और क्या क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है, स्टेटमेंट ऑफ द बोर्ड काउंसिल कमिटीज एंड अदर बॉडीज एंड मिनट्स ऑफ द सेम, मतलब कमिटी ओमिटी जो भी कुछ होती है, मीटिंग वोटिंग जितनी भी होती है, इनके मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है ये भी आपको डिस्क्लोज करना है। कॉर्पोरेशन मीटिंग होगी, उस कॉर्पोरेशन मीटिंग को भी आपको डिस्क्लोज करना है। डायरेक्टरी ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज, जितने भी ऑफिसर्स हैं एम्प्लॉयज हैं उनकी डायरेक्टरी आपको डिस्क्लोज करना है। मंथली रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय ईच ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज, ये मुझे लगता है कि लगभग इसका पे बैंड है, जो पे कमीशन दे देता है, सेवेंथ पे बैंड में इतना होता है, एट पे बैंड में इतना होता है, नाइन्थ पे बैंड में इतना होता है, वो पब्लिक डोमेन में आता है, इंडिविजुअल का पे स्लिप पब्लिक डोमेन में नहीं आता है। तो इसलिए इंडिविजुअल का पे स्लिप पब्लिक डोमेन में नहीं डालेंगे, वो इंडिविजुअल का है। पार्टिकुलर्स ऑफ ऑल प्लान्स प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर एंड रिपोर्ट्स ऑन डिस्बर्समेंट मेड, जितने भी आपने खर्चे किए हैं उसका भी हिसाब किताब आपको डालना है। सू मोटो में और क्या डाल सकते हैं, मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सब्सिडी प्रोग्राम्स, अगर कुछ आप सब्सिडी दे रहे हैं उसका भी आपको दिखाना है। पार्टिकुलर्स ऑफ रिसिपिएंट्स ऑफ कंसेशन, किसको किसको आप कंसेशन दे रहे हैं वो आपको दिखाना है। परमिट्स और ऑथराइजेशन ग्रांटेड बाय इट, अगर आपने किसी को परमिट दिया है, लाइसेंस दिया है, ऑथराइजेशन दिया है, वो भी दिखाना है आपको। डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू और हेल्ड बाय इट रिड्यूस्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अगर कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन था जिसको आपने टाइप करवा लिया है, स्कैन करवा लिया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखवा दिया है, वो भी आपको डिस्क्लोज करना है। पार्टिकुलर्स ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल टू सिटीजन्स फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, जो सिटीजन है वो इंफॉर्मेशन कैसे आपसे लेगा, इस तरीके को भी आपको डिस्क्लोज करना है। नेम डेजिग्नेशन एंड अदर पार्टिकुलर्स ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का सारा डिटेल आपको पब्लिक डोमेन में डालना है। सच अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, और भी जैसा जो कुछ भी बताया जा सके, प्रोवाइड रीजंस फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वाजी जुडिशियल डिसीजंस टू अफेक्ट अफेक्टेड पर्सन, अगर किसी पर्सन को आपने कुछ डिसीजन दिया है तो उसका रीजन भी आपको उसके साथ पब्लिक डोमेन में डालना है। प्रोवाइड एज मच इंफॉर्मेशन सू मोटो टू द पब्लिक और एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सो दैट द पब्लिक हैव मिनिमम रिसोर्ट टू द यूज ऑफ दिस एक्ट टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन, आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे वो सारे इंफॉर्मेशन आपको पब्लिक डोमेन में डालना है, सो दैट आरटीआई एक्ट में अप्लीकेशन डाल करके इंफॉर्मेशन लेने की जो स्थिति है वो रेयरली आए। क्या जरूरत है आरटीआई एप्लीकेशन डालने की, सब कुछ आप ओपन डालिए, आपने फाइल को अगर डीपीसी के लिए यूपीएससी में भेज दिया है, एक सर्कुलर डाल दीजिए कि फाइल हैज बीन मूव्ड टू यूपीएससी फॉर देयर डिसीजन, र्यूमर ही नहीं रहेगा कितने लोगों का, 395 लोगों के लिए भेजा गया है, डालिए भाई। सब कुछ छुपा के रखेंगे तो आरटीआई एक्ट की संख्या बढ़ेगी, आरटीआई एप्लीकेशन की संख्या बढ़ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आरटीआई एप्लीकेशन की संख्या कम हो,
तो आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में डालना पड़ेगा। ये आरटीआई एक्ट की रिक्वायरमेंट है, सो दैट द पब्लिक हैव मिनिमम रिसोर्ट टू द यूज ऑफ दिस एक्ट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। जरूरत ही क्या है आरटीआई से एप्लीकेशन लेने की, आप सब कुछ पब्लिक डोमेन में डालते रहिए, जो जो आप कर रहे हैं और जिस जिससे लोगों का इंटरेस्ट है उस चीज को आप पब्लिक डोमेन में डालते रहिए। एज इट इज कोई एप्लीकेशन डालेगा और इंफॉर्मेशन आप देंगे, उसमें आप आपका आपका अपना स्टाफ लगेगा, उससे अच्छा है कि पब्लिक डोमेन में सीधे डालते रहिए। जितना भी इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी डिसेमिनेटेड वाइडली सो दैट इजिली एक्सेसिबल टू द पब्लिक। ऑल मटेरियल्स शैल बी डिसेमिनेटेड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, लोकल लैंग्वेज एंड द मोस्ट इफेक्टिव मेथड। ऐसा नहीं कि जिस स्टेट में तमिल समझने वाले हों वहां पर आप हिंदी में डाल दीजिए, जहां पे हिंदी समझने वाले हो वहां पर मलयालम में डाल दीजिए। ये इंफॉर्मेशन नहीं हुआ, आपको इंफॉर्मेशन वहां के लैंग्वेज, वहां के लोग जो समझ रहे हैं उस लैंग्वेज में डालना है, तभी वहां के लोग समझ सकते हैं। आप भाग नहीं सकते इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने से। तो इस तरीके से आरटीआई एक्ट में अभी तक हमने सेक्शन 4 तक जाना। सेक्शन 4 तक कुछ सो मोटो इंफॉर्मेशन है जिसको डिसेमिनेट करना है। जब हम पीआईओ रहेंगे, जब हम सीपीआईओ रहेंगे, जब हम किसी बड़े पोस्ट पर रहेंगे, तो ये हमारी ड्यूटी रहेगी कि जितना इंफॉर्मेशन हम कर रहे हैं उसमें से क्या हम इसको हम पब्लिक डोमेन में नहीं डाल सकते, क्या जितने लोग इसे इंटरेस्टेड हैं उनको हम शेयर नहीं कर सकते क्या? क्या ये शेयर करने से कुछ हार्म होने वाला है क्या? ये क्वेश्चन आपको देखना है। अगर मैं शेयर नहीं करता हूं तो कोई इंडिविजुअल बाद में एप्लीकेशन डाल के पूछता है तो क्या मैं मना कर पाऊंगा क्या? अगर इसका आंसर नहीं आता है, अगर बाद में कोई एप्लीकेशन डालता है, आज के डेट में एडी का कितना पोस्ट खाली है, आज के दिन में डीडी का कितना पोस्ट खाली है, आपने पिछले साल से अभी तक डीपीसी करने के लिए क्या क्या किया है, आपने अगर यूपीएससी में भेजा था तो उसका डिस्पोजल क्या हुआ, ये सारी चीजें जो मैं आरटीआई एप्लीकेशन में डाल रहा हूं यू हैव टू रिप्लाई। और अगर आपको ये रिप्लाई करना ही है तो इससे अच्छा है कि पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए, लोगों को पता चलने दीजिए, एप्लीकेशन डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और स्टाफ डाल करके उसको रिप्लाई बना के ट्विस्ट करने की, कुछ दबा करके रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए आरटीआई एक्ट ये कहती है कि पब्लिक डोमेन में इतना जो भी इंफॉर्मेशन है इस तरीके से डाल दीजिए सो दैट जो आरटीआई एक्ट में एप्लीकेशन डालने की संख्या ही अपने आप कम हो जाए। हमें उम्मीद है कि आरटीआई का ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरे लेक्चर का इंतजार करते हैं, तब तक